पिछले काफी वक्त से राघव जुयाल का नाम शहनाज गिल के साथ जोड़ा जा रहा है। इस बात को और हवा तब मिली जब सलमान खान ने अपनी फिल्म किसी की भाई किसी की जान के प्रमोशन के दौरान शहनाज गिल को मूव ऑन करने को कहा था। फिल्म के सेट से भी दोनों के मस्ती भरे वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। लोगों को यकीन हो गया था कि शहनाज गिल अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। अब खुद राघव जुयाल ने इस बात पर अपनी सफाई दी है और इन सभी चीजों पर चर्चा की और रिलेशन की खबरों को सिरे से खारिज किया है। हाल ही में दिए इंटरव्यू के दौरान राघव ने कहा कि वह और शहनाज डेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही सलमान खान ने शहनाज गिल को मूव ऑन करने के लिए कहा, लोगों ने उन्हें और शहनाज को एक साथ जोड़ दिया और उनकी डेटिंग की खबरें वायरल हो गई। राघव ने कहा, वो रूमर्स फालतू की चीजें हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। भाई ने उसको बोला और उसका मेरे पर चल रहा है। बता दे कि किसी का भाई किसी की जान में राघव जुयाल और शहनाज गिल बतौर कपल नजर आए हैं। उनकी केमिस्ट्री को ऑडियंस ने काफी पसंद भी किया है। दरअसल शहनाज गिल बिग बॉस 13 विनर सिद्धार्थ शुक्ला के बेहद क्लोज थी। फैंस को यकीन हो गया था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन सितंबर 2021 में सिद्धार्थ के निधन के बाद शहनाज काफी टूट गई थी। उसके बाद से एक्ट्रेस को किसी के साथ नहीं देखा गया। अब सलमान खान की फिल्म के दौरान राघव और शहनाज के रिलेशनशिप की खबरें उठने लगी। इस दौरान ही सलमान खान ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के इवेंट पर शहनाज गिल को मूव ऑन करने की सलाह दी तो लोगों को यकीन हो गया कि शायद राघव और शहनाज के बीच कुछ चल रहा है। वेल दोस्तों, आपको राघव की इन बातों में क्या सच्चाई लग रहा है? वैसे धुआं वहीं उठती है जहां आग लगी होती है। अब आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए।